सो हम वर्क एंड एनर्जी के एमसीक्यूज कर रहे थे लास्ट वीडियो में, हमने 40 कर लिए थे, नाउ 41 है हमारे पास। के अकार मास 1000 किलोग्राम फर्स्ट ट्रैवल फॉरवर्ड एट 25 मीटर पर सेकंड एंड देन बैकवर्ड एट 5 मीटर पर सेकंड, व्हाट इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, 1/2 मास के 1000, वेलोसिटी 2 दी हुई है तो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और 25 का स्क्वायर मेरे पास 625 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 × 5 = 10, 500 ये हो जाएगा, 25 − 625 600 हो जाएगा, और 600 ना 1/2 600 ये हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। और इस साइड पे मेरे पास क्या रहा है, 500 × 6 = 5 = 30 और 1 × 2 = 2 ये हैं, 9 × 3 = 4 मेरे पास हो जाएंगे, ठीक है। तो ये किलो हो जाएगा, 300 किलो जोल करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट 1। अच्छा फिर हमारे पास हैं, इफ द स्पीड ऑफ द कार इज ट्रिपल देन व्हाट बाय व्हाट फैक्टर काइनेटिक एनर्जी, इनके जो वेलोसिटी के स्क्वायर के साथ है ना, तो अगर मैं इसको ट्रिपल करूँ 3 × 3 = 9 हो जाएगा, तो 9 टाइम। 43 इफ मोमेंटम इज डिक्रीज बाय 20% काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज बाय, अच्छा इसका शॉर्टकट इस तरह, 20 + 20 करो, ठीक है, और इस दो को मल्टीप्लाई करो, 2 × 2 = 4, अब इसने डिक्रीज पूछा है तो माइनस कर दो, 20 × 20 = 40 − 4 = 36 आ जाएगा, बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। बट लेट सपोज कोई शॉर्टकट पे नहीं होता क्वेश्चन ना, डायरेक्ट आप इस तरह के मोमेंटम के साथ स्क्वायर है ना, तो मोमेंटम 1 और डिक्रीज कितना हुआ, 0.2 के ऊपर स्क्वायर, इस तरफ काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, 1 − 0.2 क्या है, 0.8 का स्क्वायर मुझे देता है 0.64, अब 0.64 1 − 0.64 करो तो 0.36 आपके पास आंसर आ गया, देखो, और 0.36 को 100 से मल्टीप्लाई करो तो 36% आता है, ठीक है, इस तरह भी आप कर सकते हो। 44 है हमारे पास, अ बॉडी ऑफ मास एम मूव एट कांस्टेंट स्पीड वी फॉर अ डिस्टेंस एस अगेंस्ट अ कांस्टेंट फोर्स, व्हाट इज द पावर, पावर हमारे पास क्या है, वर्क पर यूनिट टाइम, वर्क पर यूनिट टाइम है ना हमारे पास पावर, और वर्क में हमारे पास एफ डॉट डी है टी, एफ डॉट वी सिंपल फार्मूला, डी बाई टी हमारे पास क्या है, वी, एफ डॉट वी भी हमारे पास सिंपल फार्मूला, ठीक है। अ 6 kg ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट 80 m अबव द ग्राउंड, व्हाट इज इट्स फॉलन 60 m, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज अप्रोक्सीमेटली 6 kg, एम जी एच पहले ढूंढ लो ना इसका, एम जी एच मास 6 है, जी 10 है, हाइट कितनी थी पहले 80 थी, ठीक है, 80 × 10 = 800 ना, और मल्टीप्लाई 6 × 8 = 48 होगी, 4800 जूल 80 m पे होगी। अब अगर मैं इधर कह रहा है कि नहीं मेरे पास क्या है, ये 60 m पे ठहरा हुआ है ना, 60 m पे आप 20 ft पुट कर दो, 60 m है ना, 60 m मेरे पास इधर 60 अगर मैं पुट कर 6 × 10 = 600 36 हो जाएगी, ठीक है, तो 3600 − 4800 अगर मैं करूँ 3600 होती है, ठीक है ना, कह रहा है कि 60 m पे ठहरी हुई है, 60 m पे आपका ऑलमोस्ट 3600 आ रहा है, अगर मैं एक्सेलरेशन 9.8 पुट करूँ तो 3500 आंसर आ जाएगा, ठीक है, इसने 20 m का तो नहीं कहा, इसने कहा कि 60 m पे आप ठहरी हुई है, तो 60 m के लिए आप निकाल लो पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि आप अगर बॉडी नीचे आ रही है तो उसकी जितनी पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगी वो काइनेटिक एनर्जी में हमारे पास कन्वर्ट होगी, ठीक है। फिर हमारे पास है लाइट एंड हैवी बॉडी है इक्वल काइनेटिक एनर्जी, विच वन हैज ग्रेटर मोमेंटम, मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, जिसका मास ज्यादा उसका मोमेंटम ज्यादा, बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास इज कॉल्ड, सो दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, द जनरल एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ बॉडी लाइंग एट एनी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, सो जनरल फार्मूला हमारे पास कौन से यूज होते हैं, यू इज इक्वल टू जी एम बाई आर, नो जनरल फार्मूला हम इसके लिए इनमें से एक भी नहीं है, ठीक है, तो नन ऑफ द अबव हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। फिर द एब्सोल्यूट पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, उसके लिए हमारे पास कौन सा फार्मूला है, वी इज इक्वल टू माइनस जी एम बाई आर, यस द जोल पर किज इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क पर यूनिट मास, हमारे पास किसका या एनर्जी पर यूनिट मास, तो ये हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड डिपेंड अपॉन, वो हमारे पास किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड अपॉन रेडियस ऑफ द अर्थ, द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ ऑफ रेडियस ऑफ फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इज, सो ऑर्बिटल वेलोसिटी हमारे पास ए वाले ऑप्शन से जाहिर करते हैं, द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस इन किलोमीटर पर सेकेंड इज एप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, सो किलोमीटर पर सेकेंड में 11 km/s, और अगर मून के लिए पूछे उसकी हमारे पास 2.4 है, ठीक है। If the moon radius is 1600 km and g on itself is 1.6, then the escape velocity on the moon
सो मून के लिए हमारे पास क्या है, 54 है ना मून के लिए। अभी मैंने बताया 2.42 किलोमीटर, और अगर मीटर में कन्वर्ट करना चाहे तो ऑलमोस्ट 2263 मीटर पर सेकंड करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और एस्केप इलास्टिक को आप मालूम भी कर सकते हो, वी इज इक्वल टू 2GH है ना, जी हमारे पास 1.6 है, और एच में मैं डाल देता हूँ 1600, और किलो में 10^3। इसको सॉल्व करो ना आप लोग के पास यही आंसर आ जाएगा। फिर हमारे पास एस्केप इलास्टिक, अब इस पे वैसे टाइम ज़ाया करना है तो इससे अच्छे आप लोग याद कर लो 2.4 किलोमीटर, और अगर मीटर में पूछ रहे तो फिर 1000 से उसको मल्टीप्लाई कर लो। एस्केप इलास्टिक ऑफ बॉल ऑफ मास 0.25 kg एट अर्थ, चाहे जितने का भी मास होना उसकी एस्केप इलास्टिक सिर्फ हम उस मास पे डिपेंड नहीं करते, ठीक है। तो वहीं हमारे पास सेम रहेगी अर्थ पे 11 किलोमीटर। इफ अ बॉडी इज थ्रोन विद स्पीड लेस देन द एस्केप इलास्टिक इट विल फॉलो, अगर एस्केप इलास्टिक से हम कम इसको फेंकेंगे ना तो पैराबोलिक पाथ वापस हमारे पास आ जाएगा, बॉडी ऑफ मास वापस अर्थ पे आ जाएगा। बॉडी ऑफ मास 2.0 kg इज ड्रॉप फ्रॉम अ रेस्ट पोजीशन 5 मीटर अबव द ग्राउंड, व्हाट इज इट्स वेलोसिटी एट हाइट ऑफ 3 मीटर अबव द ग्राउंड एप्रोक्सीमेटली। तो विलाओ क्या फार्मूला है हमारे पास, वी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2gh, h क्या दे रहा है पहले 5, अब व्हाट इज इट्स वेलोसिटी एट हाइट ऑफ 3 मीटर अबव द ग्राउंड, 5 माइनस 3 कर लो, ठीक है 2 हो जाएगा हमारे पास में, 2 2 4 4 10 40, और 40 का ऑलमोस्ट 6.3 हमारे पास आता है, ठीक है। अच्छा फिर हमारे पास है ओवर 85% ऑफ द एनर्जी यूज इन द वर्ल्ड फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल सप्लाइज फॉसिल फ्यूल सच एज कोल ऑयल एंड गैस, ही हमारे पास नॉन रिन्यूएबल में आते हैं, ठीक है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इज मेड फ्रॉम, सो इट इज मेड फ्रॉम नेचुरल गैस, टाइड्स बायोमास फॉर्म एंड एनिमल वेस्ट, ये हमारे पास रिन्यूएबल में आते हैं। द प्राइमरी सोर्स फ्रॉम विच वी क्रिएट इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर, सो दैट इज दोनों से हम क्रिएट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज, अभी हमने कहा दोनों नॉन रिन्यूएबल रिन्यूएबल, डैश एनर्जी इज स्टोर्ड एंड कंसर्टेड फ्रॉम फॉर्म ऑफ सोलर एनर्जी, तो वेव, ठीक है हमारे पास खत्म हो गया ना क्वेश्चन हमारे पास, यस यही 64 क्वेश्चन थे हमारे पास, ठीक है। आई थिंक दो क्वेश्चन और भी हैं बट इधर हमारे पास नहीं है, ठीक है। अच्छा दो क्वेश्चन और हैं, 65 वाला है, इसके बाद हमारे पास के प्रेजेंटली न्यूक्लियर एनर्जी पर वर्ल्ड फॉर एक्सट्रोमेरी डैश परसेंट ऑफ द वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी, सो हमारे पास ऑलमोस्ट 16%, ठीक है, जो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोवाइड फॉर अप्रोक्सीमेटली 16% ऑफ द वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास प्रोवाइड। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी डज नॉट डिपेंड अपॉन द सीजन और द वेदर टाइप, सो वो हमारे पास आ जाता है टाइडल एनर्जी, ठीक है। सो ये दो एमसीक्यूज भी आप लोग याद कर लें, ठीक है। सो यहाँ पे हमारी डिस्कशन ख़त्म होती है, जीनेस गाइड के थे इसकी हमने डिस्कशन कर ली, इंशाल्लाह इसके बाद हम पीटी टॉप पास पेपर की करेंगे, और जो के पी एक्सरसाइज के एमसीक्यूज हैं वो भी करेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।